शादियों का सीजन सर्दियों में रहता है और सर्दियों में हम शादी में जाते हैं तो गाजर का हलवा जरूर होता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। पर हम वहाँ पे तो भरपेट खा लेते हैं, पर घर आते हैं तो लगता है वही वाला हलवा मिल जाए। तो आज मैं आपको ये शादियों वाला हलवे की रेसिपी बताऊँगी, वो भी हम कुकर में इसको बनाएंगे और टेस्ट लाजवाब रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का में आपका स्वागत है। तो मैंने यहाँ पे हलवा बनाने के लिए 1 किलो के करीब गाजर ले ली है। अभी गाजर का सीजन, गाजर मार्केट में भर भर के आती हैं और इतनी मीठी होती हैं और गाजर के इतने फ़ायदे होते हैं कि अगर आपके आंखों में चश्मा है तो आप डेली 1 गाजर खाइए, आपको बहुत आंखों में फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से धो लिया। अब इनके मैंने पीस पीस कट कर लिए, ना हम इसको घिसेंगे ना कुछ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में 1 चम्मच भर के घी डालेंगे। मतलब छोटे वाले चम्मच से नापेंगे तो ये 4 चम्मच है, और बड़े वाले स्पून से जो चमचा आता है ना उससे 1 चम्मच मैंने डाला। अभी घी मेल्ट हो गया तो जो हमने गाजर के पीस कट करके रखे वो सारे गाजर इसमें ऐड कर देंगे। अब जब ऐड कर देंगे इसमें गाजर, तो स्पैचुला की मदद से घी को सारे गाजर में मिक्स कर देंगे ताकि इसका हर गाजर पके, मतलब कोई भी गाजर कच्चा ना रहे। तो इस वजह से घी को हम पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, हमने घी का ही यूज़ किया है। अब इसमें लिड लगा के और 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो ये रही, 1 सीटी आ गई और 2 सीटी, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम क्या करेंगे, जब तक कुकर का ढक्कन खुलेगा तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने 1/2 कप के करीब दूध डाल दिया है। यहाँ पे हम मिल्क पाउडर धीरे धीरे करके, गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं या लो कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा इसमें लम्स आ जाएंगे, फिर हम ये जो खोया बनाएंगे ये अच्छा नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे करके डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स दिया है और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और गैस का फ्लेम लो रखना है। और थोड़ा मोटे तले का बर्तन लीजिए, नहीं तो ये चिपकने लगता है बहुत जल्दी। तो अभी ये हमारा खोया बनके तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब गैस में जो कुकर चढ़ाया था, कुकर की लिड निकाल देंगे और ये देख सकते हैं हमारे एकदम सुपर गाजर पक के तैयार हो चुके हैं। तो इसको आप चाहें तो स्पैचुला से इसको दबा के देख लीजिए कि प्रॉपर पके हैं कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पे मैसर का यूज़ करूँगी और गाजर को जो भी हम मैस करेंगे अच्छी तरीके से, तो इसमें ना घिसना पड़ेगा ना कोई मेहनत रहेगी और ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार होगा। तो और मैसर से जब उबले हुए गाजर रहते हैं तो बहुत जल्दी से ईजिली मैस भी हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से मैस कर दिया है। जब जल्दी होती है ना, फटाफट एकदम गाजर का हलवा आप तुरंत बना सकते हैं। तो अब इसमें मैंने 1 कटोरी के करीब, ये 250 ग्राम के करीब चीनी, मैंने 1 किलो गाजर में 250 ग्राम चीनी ली है। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि चीनी गाजर के साथ मिक्स होकर मेल्ट हो जाए। तो देख सकते हैं चीनी अभी मेल्ट होने लगी। तो अभी हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये चीनी जो मेल्ट हुई इसका पानी है अच्छी तरीके से गाजर ऑब्जर्व नहीं कर लेता। तो देख सकते हैं अभी पहले ये बहुत गीला था, बट अभी ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है, मतलब इसका पानी जो था वो गाढ़ा हो गया है। तो अभी मैं 1 चम्मच वापस इसमें घी ऐड करूँगी, जिससे क्या होगा एकदम हमारा शादियों वाला हलवा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने घी ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अभी ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो इसको हम लो फ्लेम में 2 मिनट तक और पकाएंगे। फिर हमने जो खोया बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दूध डाल देंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पे मलाई भी डाल सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो अभी इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि ये खोया जो है हलवे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लग रहा है ना एकदम सुपर डिलीशियस। अभी हमें इसको बंद नहीं करना, अभी हमें इसको पकाना है ताकि एकदम फ्लेवर आए शादियों वाले हलवे जैसा। तो ये देख सकते हैं ये हलवा हमारा जब तक पक रहा है, तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपको पसंद है वो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो इनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। मैं यहाँ पे काजू और बादाम ही डाल रही हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ये देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। अब देखते हैं, तो ये अभी हमारा गाजर का हलवा प्रॉपर शादी वाला जैसे तैयार हो गया है। ये इसमें जो पानी था सारा सोख गया, ये अच्छे से पक चुका है घी में। तो अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से, या आप चाहें तो जब खाएं तब ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या इसमें भी मिक्स कर
सकते हैं। तो अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो ये हमारा गाजर का हलवा भी बन के तैयार है। तो अभी हम इसको प्लेट में सर्व करने के लिए डालेंगे। और ये देख सकते हैं इसका कलर, हमने कुकर में बनाया है, फिर भी कहीं से आप बोल सकते हैं कि ये शादियों वाला गाजर का हलवा नहीं लग रहा। तो ये सुपर टेस्टी, डिलीशियस और बहुत कम टाइम में बन के तैयार होने वाला गाजर का हलवा आपको मैंने बताया है। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करके ज़रूर बताइए और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरे ये गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और मेरी रेसिपी इसी तरीके से देखना चाहते हैं, अगर आप अपने अर्चना किचन को प्यार देना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो नई रेसिपी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए ये हलवा आप घर पे बनाइए और सबको खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।